जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। आम खाएगी सोकर उठ के, आम 5 घंटे सोने के बाद आम खाएंगी। हंसी आ रही है। दादी देसी स्टाइल में पॉपकॉर्न बना रही हैं। ये स्टाइल मैंने खुद पहली बार देखा है, कैसे मटके में छेद कर रखा है और दादी भून रही हैं। वाह, मतलब बहुत मस्त बने हैं। देखो आज धूप बहुत दिनों बाद अच्छी आई थी, तो सब कुछ आंगन में सुखाने रख दिया। ये दादी ने आम पापड़ बनाए हुए बहुत सारे बनाए हैं। बड़ा बन रहा है जो दाल का बनता है, तो उसका प्रोसेस रिकॉर्ड करूंगी। जी देखो दादी है, दादी दाल पीस रही है अभी। ये दाल को इससे क्यों पीस रही हो, मिक्सर से क्यों नहीं पीस रहे? मिक्सर से गील हो जाए, है ना? हाँ, मिक्सर से गील हो जाए। पोवत नहीं बने। आयम थे तो बड़े बड़े पोले हैं। इससे थोड़ी सूखी सूखी रहेगी, है ना? सूखी सूखी रहा तो सूखी रही। खाए को था ना, खाए को खुला दे पानी नॉर्मल। बढ़िया है। सूखी सूखी खा, सूखी खा ले, पानी में खुला दे। किसकी किसकी दाल है इसमें? ये किसकी, कौन कौन सी दाल? उड़द की। उड़द की दाल है? अच्छा ठीक है, खाली उड़द की दाल। एक तरफ दादी दाल पीस रही है और दूसरी तरफ मम्मी बड़ा बना रही है। ये बन गए हैं। इन्हें फ्राई करने के बाद हल्दी और नमक के पानी में भिगो देते हैं अराउंड 10 मिनट के लिए। फिर बस रेडी टू ईट। दही वड़ा भी ऐसी बनता है, बस हमारे गांव में ट्रेडिशनली इसको इस तरह से बनाया जाता है। दादी बेचारी लगी हुई है, कब से लास्ट राउंड चल रहा है इनका। यहाँ पर कच्चे आम तोड़कर रखे हुए हैं, नहीं तो सारे बंदर खा लेते हैं अगर पेड़ पर रहने दे तो। देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से ये छत टूट गई थी, तो बस वही नई लगा रहे हैं। थक गई क्या दादी? थक गई बांटते बांटते। उधर मम्मी बना रही है, इधर दादी पीस रही है। ये बब्बक ले हैं। दही भी दोगी ना? कितने मस्त लग रहे हैं। बब्बा टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। तू बब्बा का खाना रेडी है और अब बब्बा सबसे पहले व्यक्ति हैं
जो टेस्ट कर कर बताएंगे कि बड़ा कैसा बना है। दही लोगे पापा? दही लेंगे? दही लोगे? हाँ। अभी दही है, दही निकाल रहे हैं। पापा भूख लगा रहे हैं। गांव के दूध की इतनी मस्त दही जमती है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम है। और अब बब्बा टेस्ट करेंगे भूख लगाने के बाद पहला पीस, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा बना हुआ है। बब्बा ने पूरा प्लान चौपट कर दिया, टेस्ट तो किया नहीं, डायरेक्ट बरा को चावल दाल में के साथ मिक्स किया और खाने लगे, कुछ भी नहीं बोला। थोक में घोलूं कैसे बता? कैसा है टेस्ट सिफा? मिक्सर के पीछे ना बहुत नहीं बने, होता नहीं कहा प्लेन है। ये कौन है सब्सक्राइबर जो भी एक दो लोग कर रखे हैं, खा लो, और बाकी लोग को भी खाना है तो उनको बोलो सब्सक्राइब करें, तभी सब मिलेगा खाने के लिए। दिखा पास से बड़ा कैसा है। ये तरह का बड़ा ही है जो ये बट हमारे ट्रेडिशनल गांव बनाते हैं। भैया खा रहा है ये, कैसा है टेस्ट? अरे बिल्ली बैठी रहती है साथ में बड़ा खाने के लिए। खाओ, जबरदस्ती खिलाएंगे। कैमरा कौन सी सो गई मुझे? ले ले, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बब्बा ने तो कुछ नहीं बोला, पर हम सब ने जब खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, और आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब बनाने के बाद बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। सब मौसी के घर जा रहे हैं, भाभी दिखाई दे रहा, इतनी धूप है, 5 बज गए फिर भी इतनी धूप है। मैं इन सब के साथ नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नींद में थी और धूप भी बहुत थी। देखिए कैसे पानी भरा है पहाड़, देखिए कितना सुंदर नजारा है, रिबिट्टी है। रास्ता आपको दिखा रहे हैं आज मौसी के घर का, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट भी है क्योंकि रोड नहीं है कोई डायरेक्ट वहाँ तक, तो हम इस रास्ते से होकर जाते हैं। बट गांव में यही तो मज़ा है, फन है इसी चीज़ का, हर जगह पानी भरा रहता है, काफ़ी काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए ब्यूटी अपने गांव की, काफी प्रिटी सा है ये, अपने मम्मी बा लोग आ रहे हैं। ये देखिए कितना सेरेन एनवायरनमेंट है, काफी सेरेन सा एनवायरनमेंट है, आप देखिए। ये पहाड़ गांव की शान है, इसकी वजह से हमारा गांव और भी खूबसूरत लगता है।
अब आ गए, आप देख लो ये वो वाला पेड़ दिख रहा है, इसके उस तरफ मन ये मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मम्मी लोग आ रहे, ये बिट्टी और मैं पहुंच चुके हैं काफी पास। यस बिट्टी, हम लोग पसीने से लथपथ हैं, सब लोग काफी तेज धूप में चलकर जा रहे हैं तो वेट लॉस काफी हो रहा है। कैसा लग रहा है बिट्टी, थक गई हो? बस अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सुकून भी मिल रहा है क्योंकि काफी पास आ चुके हैं और आज काफी दूर भी है ये, चलो यहाँ से उतरना है, ये पहुंचाने बस आ गए मौसी घर। ये लिप्टिस के पेड़ यहाँ काफी ज्यादा होते हैं और बहुत ही लंबे और सीधे हैं, काफी लंबे और सीधे पेड़ होते हैं लिप्टिस के, पता नहीं है क्या बोल रही थी तुम, बुआ किसके जैसी है, बुआ खोवा की मिठाई जैसे मीठी है। हाँ, और वीडियो और अरहर आदि फसलें होती है किस किस की, हाँ वो मौसा है देखो पानी लगा रहे, और हम आपको यहाँ का एक बार नज़ारा दिखा देते कितना ब्यूटीफुल एंड सेरेन एनवायरनमेंट है, ये खेत है जिनमें चावल और गेहूँ मूंग की दाल जितने भी वैरायटी, मतलब बहुत उपजाऊ ज़मीन है तो बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है यहाँ पे लाइफ। बिट्टी बोली जिसे लेना हो यहाँ आ जाओ, बट काफ़ी ब्यूटीफुल लाइफ है प्यारी सी, देख सकते हैं आप। घर पर आ गए मौसी के, आप देख रहे हो पहुंच चुके हैं मौसी के घर। बिट्टी कितना थक गई हो? बहुत। हम लोग फाइनली यहाँ पे हैं और अभी हम मिर्ची से मौसी को सरप्राइज करने वाले हैं, पानी लगाते हुए। ये घर यहाँ है, ये मंदिर है और ये मौसी का घर, मौसी के घर के पास काफी ब्यूटीफुल फूल हैं, आप देख सकते हैं। मौसा वेट करते हुए, ओ मम्मी आते ही कूलर के पास बैठ गई, भाभी भी चालू है, टीवी चल रही है, कोई देखने वाला है नहीं। अब दिख रहा है भाभी कितनी सुंदर है, वैसे नजर नहीं आता। दादी बेचारे आगे नहीं आ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका ड्रेस प्रॉपर नहीं है। हो गई रेडी, आप लोग टीवी देखने आए हो क्या, पिक्चर? ये सब चले गए थे घूमने के लिए तो मैं तो मस्त दादी से सर में तेल लगवा रही थी और साथ साथ में दादी की बातें सुन रही थी। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते। भूत दिखाई दिया उसके बाद? नहीं दिखा। हो गया अब जिया, अब हम वापस जा रहे हैं तो मौसी मौसा छोड़ने जा रहे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं, शाम हो चुकी है और अब देखिए सबको, अब हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, काफी शाम हो गई। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।